के स्पीकर ने जो अपना अपोनेंट है उसकी पोजीशन जीती है वन पोजीशन ऑफ हिम इन द रेस जबकि ये कोई सेंस नहीं बनाता कंटेक्सट ऑफ कंपटीशन में तो जो करेक्टेड सेंटेंस होगा आई बीट हिम इन द रेस ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि स्पीकर ने अपना जो मुखालिफ है उसको डिफीट किया है या आउट परफॉर्म किया है तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दैट विल बी आई बीट हिम इन द रेस नेक्स्ट इज ही सेड दैट आई एम प्लेइंग चेस करेक्ट सेंटेंसेज ही सेड दे प्लेंग चेस अब यहाँ पर अगर हम औरिजनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजनल सेंटेंस में जो पहला वर्ब है सेड तो ये पास टेंस को रिप्रेजेंट करता है द एक्शन ऑफ सेंग हैपन इन द पास्ट तो अब चूंकि सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हुई है तो औरिजिनल मीनिंग को मैंटेन रखने के लिए हमें बाकी सेंटेंस बाकी सेंटेंस जो कि रिपोर्टेड स्पीच में मुश्तमिल है उसको भी पास टेंस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ओरिजिनल सेंटेंस इस वक्त जो है आई एम प्लेंग चेस ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको अगर हम पास टेंस में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर जो एग्जेलरी वर्ब एम है इसके बजाय हम एगजरी वर्ब किसी पास टेंस का लगाएंगे और एम का जो अल्टरनेटिव है पास टेंस के लिए दैट इज वाज तो हमारे पास जो सेंटेंस बनेगी दैट विल बी ही सेड दैट आई वाज प्लेइंग चेस नेक्स्ट इज अनलेस यू डू नॉट ट्राई यू विल नेवर सक्सीड करेक्ट सेंटेंसेस अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड अब यहाँ पे अगर हम औरिजिनल सेंटेंस को देखें तो औरजनल सेंटेंस का जो पहला क्लास है अनलेस यू डू नट ट्राई इसमें मसला यह है कि यहाँ पर डबल नेगेटिव यूज हुआ है जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अनलिस जो है वो इट्सल्फ इंडिकेट करता है एक नेगेटिव कंडीशन को इफ नॉट और एडिंग इन अदर निगेटिव वर्ड जिस तरह के डू नट यूज हुआ है इसमें तो ये एक कंट्राडक्शन को क्रिएट करता है इस केस में अगर हम जो डोनट है जो सेकंड नेगेटिव है इसमें इसमें इसको रिमूव करें तो जो ओरिजिनल सेंटेंस है वो जो इंटेंडेड नेगेटिव मीनिंग है वो कन्वे करेगी तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी देट विल बी अनलेस यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड डबल नेगेटिव को हम खत्म करेंगे और सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव इसमें आएगा वो सिंगल नेगेटिव इस आप है अनलेस नेक्स्ट इज ही रोट विद इंक करेक्ट सेंटेंस ही रोट इन इंक अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है विद ये इनकरेक्ट है ये क्यों इनकरेक्ट है इसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम किसी ऐसे मीडियम की बात करते हैं जो कि राइटिंग के लिए यूज़ होती हो तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे देट विल बी इन यहाँ पर मीडियम क्या है इंक और राइटिंग के लिए यूज़ हो रही है, तो इसी वजह से से पहले जो जो आएगा, सो so हमारे पास करेक्ट सेंटेंस बनेगी, बी ही बिलोंग टू अब यहां पे अगर हम ओरिजिनल को देखें तो ओरिजिनल प्रेजेंट सिंपल टेंस में है लेकिन इसमें मसला यह है कि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है सवाल किया जा रहा है जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक सेंटेंस हो और उसमें सवाल किया जा रहा हो तो उस वक्त हम एग्जेलरी वर्ब यूज़ करते हैं डू do या डज डज हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट सेंगुलर हो और डू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्योंकि सेंकुलर है तो हमारे पास जो सूटेबल एग्जेलरी वर्ब है दैट इज़ डज़ वट कंट्री डज़ ही बिलोंग टू अच्छा इसमें दूसरा मसला यह है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो सिंपल टेंस हो और उसमें सिंपल स्टेटमेंट हो मतलब उसमें कोई सवाल या कोई नेगेटिविटी ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब है वो यूज़ करते हैं लेकिन उसके साथ एस या ई का इजाफा करते हैं अब चूँकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन में हम फिर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो तब भी हम वर्ब के साथ एस या ई का इजाफा नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वट कंट्री डज ही बिलोंग टू नेक्स्ट इज वेन ही रीच इज टू मैनहुड ही विल विजिट टू इंग्लैंड करेक्ट सेंटेंस इज वेन ही रीच इज मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में एक मसला है जिसको हम रेडेंडेंसी कहते हैं रेडेंडेंसी एक सेंटेंस में उस वक्त होती है जब आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा अल्फाज को सेंटेंस में इंक्लूड करते हैं अगर वो अल्फाज सेंटेंस से रिमूव ही हो जाए तो सेंटेंस की मीनिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती फिर भी वो अपनी ओरिजिनल मीनिंग जो है वो कन्वे करती है तो यहाँ पर जो सेंटेंस है सेंटेंस में प्रीपोजिशन टू जो है रीचिस के बाद भी यूज़ हुआ है और विजिट के बाद भी यूज़ हुआ है तो ये दोनों टू जो है ये रिडंडेंट है और इसको हमने रिमूव करना होगा इसको हम इसलिए रिमूव करेंगे कि जब इस तरह के वर्ब्स होते हैं जिस तरह रीच हो गया विजिट हो गया ये ऑलरेडी जो है हमें एम्प्लाई करता है डायरेक्शन आर मोमेंट टुअर्ड्स समथिंग तो यहाँ पर आपको फिर ये मेंशन नहीं करना होगा कि प्रिपोजिशन लगाए कि वो डायरेक्शन शो कर दे क्योंकि ये वर्ब्स ऑलरेडी डायरेक्शन जो है वो एम्प्लाई करता है तो यहाँ पर ये प्रिपोजिशन जो है वो रिडांडेंट है दोनों प्रिपोजिशन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी वेन ही रीच इज मैनहुड ही विल विजिट इंग्लैंड नेक्स्ट इज द न्यू सेशन कमेंसेज फ्रॉम फेबर फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी करेंट सेंटेंसेज द न्यू सेशन कमेंसेज ऑन फेब्रवरी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी अब यहाँ पर अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजनल सेंटेंस में एक्जैक्ट डेट मैंशन किया गया है एंड देट इज फेब्रवरी फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इंग्लिश में जब भी हम किसी सेंटेंस में एक्जैक्ट डेट या स्पेसिफिक डेट मैंशन करते हैं ऑन विच एंड इवेंट स्टार्ट आर कमेंसेज तो उस वक्त जो करेक्ट प्रपोजिशन हम यूज करते हैं देट इज़ ऑन लेकिन यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज हुआ है ओरिजिनल सेंटेंस में फ्राम तो फ्राम को हम रिप्लेस करेंगे करेक्ट प्रोपोजिशन या सूटेबल प्रोपोजीशन के साथ एंड दैट इज ऑन और हमारे पास सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगी तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द न्यू सेशन बनेगीट वी दू सेटी ट्वेंटी नेक्स्ट इज प्लीज सेंड दिस लेटर ऑन एड्रेस करेक्ट सेंटेंस इज प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस अब यहां पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में अगेन इनकरेक्ट करेक्ट यूज हुआ है जब भी हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को किसी चीज़ को भेजना रेफर करते हैं तो उस और जो प्रिपोजिशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ टू अगर ओरिजिनल सेंटेंस को आप देखें तो उस कंटेक्स में लेटर के भेजने की बात हो रही है किसी स्पेसिफिक एड्रेस मतलब माई एड्रेस पे तो आप और जो करेक्ट प्रिपोजीशन बनेगी दैट विल बी टू हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ प्लीज सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ब्लेस्ड